तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते, इन पंक्तियों से टिहरी राजतंत्र की या टिहरी राजशाही की जो निरंकुशता चल रही थी उसकी जड़ें हिलाने वाले हमारे तरुण तपस्वी अमर शहीद जो श्रीदेव सुमन जी हैं, आज उनकी 75वीं पुण्यतिथि है, उनको सत सत नमन। राज्य आंदोलन में जो उन्होंने भूमिका निभाई जिस कारण आज हमारा राज्य यहाँ पे स्टेबल कर रहा है, इसमें इनका जो योगदान है वो अमूल्य है, अतुलनीय है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के एक महान विभूति शहीद श्रीदेव सुमन के बारे में। देखिए, काफ़ी इनका बड़ा कार्य रहा एक उत्तराखंड में लोकतंत्र की स्थापना के लिए, ठीक है। तो काफ़ी इन्होंने योगदान दिया इस क्षेत्र में और अपना जीवन बलिदान कर दिया। मात्र आप लगा सकते हैं 28-29 उम्र की अल्पायु में ही ये हमें छोड़कर चले गए, तो अपने जीवन का बलिदान किया इन्होंने अपने राज्य के लिए। तो सबसे ऊपर मैं इन्हें रखता हूँ और आज इनकी 75वीं जो पुण्यतिथि है उसके लिए इन्हें नमन किया जाता है। तो जानेंगे आज कुछ बातें इनके बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे इनका एक संक्षिप्त परिचय। श्रीदेव सुमन, जिनके बचपन का नाम था श्रीदत्त बडोनी, ठीक है, श्रीदत्त बडोनी बचपन के नाम था, और 25 मई 1916 का इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान था इनका जौल गाँव टिहरी गढ़वाल। इनके पिता थे हरिराम बडोनी और माता थी तारा देवी। तो बोलते हैं, होनहार बिलवान के होत चिकने पात, ये साबित किया इन्होंने मात्र 14 वर्ष की उम्र में, जब ये देहरादून में नमक सत्याग्रह में भाग लेने पहुंचे और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 15 दिन की इन्होंने जेल की हवा खाई थी उस छोटी सी उम्र में। तो यहीं पे डिसाइड हो गया था कि जो इनका राजनीतिक जीवन होने वाला आगे का काफ़ी उज्ज्वल होगा, लेकिन कंडीशंस ऐसी घटी कि इस जो महान व्यक्तित्व था इसको अल्पायु में ही हमें अलविदा बोलना पड़ा। तो देखिए, काफ़ी चीज़ें इन्होंने समाज के लिए की थी, डिग्री कंप्लीट की अपनी, उसके बाद अध्यापन के कार्य में आई है, ठीक है। अध्यापन के कार्य में आके इन्होंने काफ़ी स्कूलों में अध्यापन का कार्य किया, कॉलेजों में किया। इसके साथ साथ सबसे पहला जो इनके राजनीतिक जीवन का सफ़र रहा वो शुरू हो गया था जब ये जनवरी 1939 में यहाँ पे टिहरी जो हमारा प्रजामंडल, राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई, वहाँ पे इन्हें काम करने का मौका मिला। इन्होंने लीड किया उसको एक हिसाब से, टिहरी राज्य प्रजामंडल। और इसी के बीच में 1939 में एक जगह क्या हुआ, लुधियाना पंजाब की बात है, वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या हो रहा था, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हो रहा था। ये वहाँ पे पहुँचे, ये उत्तराखंड के प्रतिनिधि के रूप में या कुमाऊँ क्षेत्र या गढ़वाल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पे प्रेजेंट हुए। तो वहाँ पे प्रेजेंटनेस दी इन्होंने और उसके बाद धीरे धीरे ये क्या हो गए, राजनीतिक जीवन में ढलने लगे, इन्हें आइडियाज आने लगे और इन्होंने फील किया जो अभी तत्कालीन जो हमारी स्थिति चल रही है टिहरी की, ये काफ़ी क्या है, दर्दनाक है वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी निरंकुशता थी वहाँ पे राजतंत्र में, जनता की बातें नहीं सुनी जा रही थी, कानून व्यवस्था लचर हो रही थी, सभी चीज़ें इन्हें देखा। तो उन्होंने साफ साफ बोला कि हमें अब ये व्यवस्था ख़त्म करनी होगी, राजतंत्र को ख़त्म करना होगा, ठीक है। ऐसी बातें यहाँ पे पब्लिकली ये बोलने लगे तो राजा को लगा इनसे खतरा और राजा ने इन्हें, जैसे ही अधिवेशन से वापस आ रहे थे, मैंने आपको बताया लुधियाना अधिवेशन से, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो गिरफ्तार करके इनको जेल में यातनाएं दी गई। तो इसी बीच इनका जो फेमस जो वाक्य था या स्लोगन था जो आज भी हमें झंझोड़ के रखते हैं, तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते, ये उन्होंने इसी टाइम पे बोला था। इसके बाद भी वहाँ पे जो राजतंत्र था वो माना नहीं, ठीक है, और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की घोषणा करते हुए ही मरना सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा भी बोला था। और कुमाऊँ गढ़वाल की, देखिए, कुमाऊँ और गढ़वाल की अखंडता के लिए इन्होंने एक स्लोगन बोला था, यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने की बजाय दो हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को भी काट देंगे। देखिए, इतनी बड़ी बात बोली इन्होंने, ये चाहते थे कि कुमाऊँ और गढ़वाल की अखंडता है जो काफ़ी मजबूत बनी रहे, ठीक है। तो अब हुआ क्या फ्रेंड्स, मैंने जैसा आपको बताया उसके बाद इन्होंने गिरफ्तार कर दिया गया। तो इन्होंने बोला कि मैं राजा से स्वयं अपील करूंगा, राजा से स्वयं मैं जनता के बारे में पत्र व्यवहार मुझे करने दिया जाए, ये चीज़ें सभी इन्होंने मांगी, लेकिन इसका रिप्लाई नहीं आया जब ये जेल में बंद थे। रिप्लाई ना आने पे इन्होंने क्या किया, 3 मई 1944 से आमरण अनशन पे बैठ गए या कि भूख हड़ताल पे बैठ गए, न पानी न खाना, ठीक है। और इसके बाद भी इनकी बातें नहीं सुनी गई, टिहरी राज्य पे कोई असर पड़ा ही नहीं, राजा पे कोई असर नहीं पड़ा। और 3 मई से अनशन करते करते 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मात्र 28 साल की उम्र में ये हमें छोड़कर चले गए, ये शहीद हो गए। इन्होंने अल्प आयु में ही यहाँ पे इतना बड़ा डिसीजन लिया और इस डिसीजन का फ़ायदा तो हुआ बाद में, लेकिन अपने आंखों से ये टिहरी राज्य का जो राजतंत्र था, राजशाही थी, उसको समाप्त होते हुए नहीं देख पाए, ठीक है। तो श्रीदेव सुमन का ये बलिदान हमारे लिए अमूल्य है,
मात्र भगत सिंह की तरह इन्होंने भी अल्प आयु में ही काफ़ी एक बड़ा महान कार्य किया। आज भी ये उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व में गिने जाते हैं। इनका जो योगदान है अमूल्य है, अतुलनीय है। तो ऐसे जो हमारे व्यक्तित्व हैं उत्तराखंड के, इनको सत सत नमन 75वीं पुण्यतिथि में। तो फ्रेंड्स, आप भी सभी को इनकी जो पुण्यतिथि है उसके लिए सभी लोग आगे आएँ और ऐसा कैंपेन चलाएं राज्य में कि इनके ही मार्ग पर हम चलें, सत्य अहिंसा और ईमानदारी के मार्ग पर। देखिए, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, ईमानदारी का मार्ग और जो लंबा मार्ग होता है शिखर तक ले जाता है। शॉर्टकट हमेशा आपको गहरी खाई में गिराएगा या कुएं में गिराएगा। तो शॉर्टकट कभी नहीं लाएं, अच्छे से मेहनत करें फ्रेंड्स, कुछ सीखें इन महापुरुषों से, ऐसा ही बनने की कोशिश करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।